वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मुंबई बनाम कोलकाता का वीवो आईपीएल का आखिरी मैच ने पॉइंट टेबल में किए बहुत सारे बदलाव। मुंबई ने यह मैच 9 विकेटों से जीत हासिल की। मुंबई के जीतते ही मुंबई ने पॉइंट टेबल में पहला स्थान प्राप्त किया, साथ ही चेन्नई की टीम दूसरे स्थान पर आ गई, दिल्ली तीसरे स्थान पर और हैदराबाद चौथे स्थान पर क्वालिफाई हो गई। हैदराबाद इस साल 12 अंकों के साथ क्वालिफाई हुई है। अब पहली क्वालिफायर मुंबई और चेन्नई के बीच 7 मई को चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में खेली जाएगी। 8 मई को दिल्ली और हैदराबाद के बीच विशाखापत्तनम में एलिमिनेटर खेली जाएगी। पहली क्वालिफायर की हारी हुई टीम और एलिमिनेटर की जीती हुई टीम के बीच 10 मई को विशाखापट्टनम में दूसरी क्वालिफायर खेली जाएगी। 12 मई संडे को राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में फाइनल मैच खेली जाएगी। इस फाइनल मैच में पहली और दूसरी क्वालिफायर की विजेता टीम के बीच खेली जाएगी। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार की आईपीएल, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बात करें मैच की तो मुंबई ने टॉस जीता और रोहित शर्मा ने बॉलिंग करने का फैसला लिया। यह पूरा मैच पंड्या ब्रदर्स की जोली में रहा। क्रिस लीन ने केकेआर को अच्छी शुरुआत दी लेकिन रोबिन उथप्पा ने काफी धीमी शुरुआत दी। उसी प्रेशर के चलते दिनेश कार्तिक केवल 3 रन पर आउट हो गए और आंद्रे रसल मलिंगा की पहली ही गेंद का शिकार हुए। रसल के आउट होते ही मुंबई की टीम में ढुसी का माहौल छा गया, साथ में हैदराबाद में भी ढुसी का माहौल छा गया क्योंकि अगर मुंबई यह मैच जीतती है तो हैदराबाद प्लेऑफ में अपनी जगह बना पाता है। केकेआर केवल 133 रन ही बना पाई। केकेआर को इस मैच में सुनील नारायण को ओपनिंग भेजना था ताकि वह टीम को अच्छी शुरुआत दे पाए और मिडल ऑर्डर पर प्रेशर न आए। दिनेश कार्तिक को रोबिन उथप्पा की जगह रसल को भेजना चाहिए था ताकि वह अपने मसल्स का कमाल दिखा पाए। 134 रन का लक्ष्य और वह भी वानखेड़े स्टेडियम पर नामुमकिन नजर आता है। मुंबई ने यह लक्ष्य 17वीं ओवर में ही हासिल कर दिया। हार्दिक पंड्या को मैन ऑफ द मैच दिया गया।